नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम डोगरा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ 11 बजे से। दोस्तों, आज मैं घर में बहुत लेट हो चुकी हूँ क्योंकि घर का भी काम करके आई, तो इस करके थोड़ा मैं लेट हो गई। तो यही है दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ भोटा। तो आप सभी मेरे वीडियो में बने रहें मेरे साथ, तो देखते रहें। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और वीडियो कर देना है लाइक, कमेंट एंड शेयर। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, आप बने रहें मेरी वीडियो में, मेरे साथ देखते रहें। मैं भोटा क्यों जा रही हूं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गई हूं नारायण नगर में। ये देखें, यहां का व्यू कुछ इस तरह से है। और साथ में बिटिया है। हेलो आकृति, हाउ आर यू। तो दोस्तों, ये बाइक लगी हुई है हमारी। तो हम यहाँ पर अभी पहुँचे। तो अभी जो है यहाँ स्कूल में प्रोग्राम है। मेरी बेटी भी इनके ही स्कूल में पढ़ती थी, नर्सरी से लेकर फोर्थ तक। और फोर्थ में लॉकडाउन की वजह से मैं गांव चली गई थी, अपने घर, अपने गांव में जहां अब पढ़ती है आकृति। तो दो साल तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई उसके बाद, इस करके हम चले गए थे गांव। तो फिर हम उसके बाद आज यहाँ पर आए। आज यहाँ पर जो है प्रोग्राम है इनके स्कूल में। तो आकृति बताएगी नाम पूरा स्कूल का। स्कूल का नाम क्या था भैया, आपके पहले स्कूल का नाम पता है कुछ? इंदिरा मेमोरियल भोटा सेकेंडरी स्कूल, भोटा। तो दोस्तों, इंदिरा मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोटा, जिसके ऑनर देवराज वर्मा जी है। तो आज उन्होंने हमें फिर से अपने स्कूल में आने का मौका दिया, तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और बहुत अच्छे इंसान है जो कि पत्रकार भी है, तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने एक बार फिर से मुझे मौका दिया अपने स्कूल में आने का। तो धन्यवाद आल टीचर्स। तो दोस्तों, अभी मैं बिल्कुल बाहर हूँ यहाँ पर, प्रोग्राम अंदर चला है, तो मैं आपको ले चलूँगी प्रोग्राम तक। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और वीडियो कर देना है लाइक, कमेंट एंड शेयर। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जो है मेरे ब्लॉग का नोटिफिकेशन आए। तो दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अंदर। तो दोस्तों, मैं आपसे बोलना भूल गई, ये प्रोग्राम के स्टार नारायण नगर भोटा में है। तो आपको मैं ले आई हूँ अभी अंदर प्रोग्राम के बीच में। तो आप बने रहे मेरे वीडियो में, देखते रहे, इस प्रोग्राम को एंजॉय करें सभी। बस करो हो जग जियो, धरियो गुजरो, नेड़ा मेरे कंडा जो। बस करो हो गाड़ी मेरा थोड़ा जंग लती हो, धरियो गुजरो,
अंजू दीवान जी, विनोद कुमार जी, राजकुमार जी, नरेश कुमार जी और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हमीरपुर में कार्यरत प्रोफेसर संजय कानगो जी, बाकी अन्य सभी अतिथिगण, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम अपना 67वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह भोटा के स्टार होटल में मना रहे। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है तो हमारी इस सीढ़ी का अंदाज कुछ अलग ही है। देखिए, सर मेरा लड़का, देखिए आपको बेटा जो है, क्या किया तुम्हें आराम से, क्या किया इसने, क्या किया? अरे सुन तो लीजिए एक बार। अरे क्या सुनने के लिए बाकी बचा है, क्या कर वाले? तूने मेरी नाक कटवा रखी है, क्या किया इसने? अरे ऐसे नहीं मार सकते आप, वो बड़ा हो चुका है, पुलिस कंप्लेन कर देगा आपके लिए। अपने बाप की कंप्लेंट करेगा, नाक कटवा रखी है तूने, आराम जादे है, मैं यही कह रहा हूँ, वो शार्प माइंडेड है आपका बेटा, आराम जादे, तू शार्प माइंडेड भी है का मतलब होता है आपका बेटा बहुत होशियार है, मारो मत उसे, ऐसे 95 आए हैं उसके 100 में से, अच्छे नंबर है। राम जादे 5 नंबर खा गए, 5 नंबर खा गया। नमस्ते मैडम। आपका लड़का इतना बदतमीज है, पूरे दिन क्लास में शैतानी करता रहता है। मैं मान ही नहीं सकता मेरा बच्चा शैतानी करे, मैं मान ही नहीं सकता। आप इसका चेहरा देखो, कितना मासूम है, देखो एक बारी, ये लगता है कैसे शैतानी करेगा, मैं मान ही नहीं सकता मैम। और चलो मान लिया, बच्चे शैतानी तो करेंगे ना, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, उनका बाप, माय सन।
देखिए सर ये क्लास में बहुत बोलता है। तो मैम अगर गूंगे बच्चे पैदा करते हम, मेरा बच्चा है मनमोहन सिंह थोड़ी है जो चुप रहेगा, बच्चियां बोलेंगे माय सन। सर आप अपने बच्चे की साइड मत लीजिए, उसको एक का आंसर भी नहीं आता। बोले एक का आंसर नहीं आता, बाकियों का तो आता है ना, है बाकियों का तो आता है ना। अब एक आंसर की वजह से तुमने मैं पीटीए में बुला लिया, क्या पागल टीचर हो यार तुम माय सन। सर आप ये देखिए 10 इंग्लिश में, 20 मैथ्स में, 20 साइंस में, टोटल में 50 नंबर आए इसके। टोटल में 50 है ना, तो उसको टोटल बढ़ाओ। इसका इंटरेस्ट जब टोटल में था, टोटल भी नहीं बढ़ाते इसको। इतने अच्छे नंबर टोटल में लेके आया, आज से तेरे को हम बनाएंगे टोटल स्पेशलिस्ट। अब से टोटल पड़ेगा सर, ठीक है माय सन। मेरे को तो लग रहा है टीचर ही गलत है, इसको पता नहीं किसने टीचर बना दिया। हाँ टीचर है ये, टीचर तो है ही नहीं कहीं से। चलो बढ़िया आप सबके बचपन की यादों को ताजा करने की कोशिश की है, जैसे कि पीटीएम, बैक बेंचर सेंट्री और पेपर में चीटिंग इत्यादि। तो जैसा कि आप सबने देखा कि हमारे नाटक के पीटीएम में दो तरह के कैरेक्टर छाए गए थे, एक ऐसे जो कि अपने बच्चों की बिल्कुल भी नहीं सुनते, उनके बच्चे यदि 100 में से 95 नंबर ले आए तो उनके पेरेंट्स उन्हें 5 नंबर के लिए डांट देते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे पेरेंट्स दर्शाए गए थे उनके बच्चे चाहे पढ़ने में जैसे भी हों फिर भी वह हमेशा उनके ही पक्ष में रहते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि जहां आपके बच्चे सही हैं वहां उन्हें प्रोत्साहन दें, और जहां आपके बच्चे गलत हैं वहां उन्हें डांटना भी आवश्यक है। धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस थी इन बच्चों की, जोरदार तालियों के साथ। अनुरोध है कि हमारे बच्चों की पुकार सुने। तो दोस्तों यहाँ पर सभी के लिए खाने की व्यवस्था भी थी, जितने भी आए थे सभी भोजन करके गए और सभी के लिए व्यवस्था की गई थी, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो सभी ने भोजन किया यहाँ पर और हमने भी किया। उसके बाद हम भी चल पड़े घर की तरफ। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से चल पड़ी विद फैमिली। तो आपको प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय।